कि और हमें उधर की साइड जाना है, वो देख रहे हो वो दूर की साइड जो पहाड़ से हैं वहां पे जा रहे हैं हम। सुबह हो चुकी है और गुड मॉर्निंग। रुको लाइट चला देता हूँ पहले यार। तो सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह 4:15 और मैं उठ चुका हूँ। मैं जस्ट अभी उठा था तो अभी तक मैं बाहर नहीं गया। मैं जस्ट जैसे ही उठा मैंने फ़ोन निकाला और मैं वीडियो शूट करने लग गया। अभी मैं बाहर जाऊँगा, मैं देखूँगा कि मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो वीडियो शूट करने में आ जाएगी दिक्कत, ना हो तो मैं जाऊंगा देख क्या। तो अभी तो बारिश वारिश का लग नहीं रहा कोई सीन, बारिश हो भी नहीं रही अभी और लग भी नहीं रहा कि होगी, क्योंकि मौसम भी हो रहा है सही। एक बार 5 मिनट के ले लेते हैं नैप, उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि नींद आ रही है फिलहाल बहुत तेज और एक नैप लेना है जरूरी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं अरावली हिल्स। आज हम सिर्फ 2 ही बंदे जा पा रहे हैं, क्योंकि एक तो सोता रह गया जो हमारे साथ जाने वाला था, और कुछ बंदों को अर्जेंट काम है आज तो इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। तो आज हम मैं और रोहित जा रहे हैं सिर्फ बस। तो भाई सीन सेट है, जो नहीं आने वाले थे वो भी आ गए, तो अब हम जा रहे हैं 4 बंदे। तो उनका इंट्रोडक्शन वहीं करेंगे क्योंकि हम हो रहे हैं लेट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वरना धूप निकल जाए, इससे पहले हमें वहाँ पहुँचना है। तो हम निकल रहे हैं, चलो। हम यहाँ पहुँच ही गए और बारिश स्टार्ट होगी, तो तुम्हारा भाई तो रेनकोट लेके आया था साथ में, ताकि जो बैग है बैग भीगने से बच जाए, क्योंकि बैग में फ़ोन वगैरह रखने के काम आ जाएगा, तो इसलिए रेनकोट पड़ा हुआ था बाइक के साइड में। तो मैंने सही है, काम भी आ गया, पहन लेंगे। और हमें उधर की साइड जाना है, वो देख रहे हो वो दूर की साइड जो पहाड़ से हैं वहाँ पर जा रहे हैं हम। तो यहाँ बारिश आ गई तो 2 मिनट के लिए हम रुक गए थे। तो भाई ये एक जगह है, यहाँ पे एक मंदिर है, पर अभी हमें और आगे जाना है, क्योंकि अभी हमने किसी से पूछा, क्योंकि हमें भी इतना पता नहीं है यहाँ का, तो अभी और आगे जाना है। तो उसने बोला भाई वो जो रास्ता है जो तुम देख रहे हो जहाँ पहाड़ पहाड़ हैं और जहाँ पे सड़कें भी बड़ी प्यारी प्यारी है, तो वो आगे है थोड़ा, यहाँ से आगे है, पर यहाँ पर एक मंदिर है ये रहा। और यहाँ से देखो यहाँ के नज़ारा जो है ना, ये देखो ये यहाँ से ये दिख रहा है, ये जैसे पहाड़ों पर होती है ना रोडें, ये ऐसे नीचे ढलान में जाती है वैसा है ये देखो यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे आगे, ये तीनों यहाँ पे मजे कर रहे हैं, तो अब वहाँ जाएंगे हम, उसके बाद आपसे वहीं मिलते हैं। तो भाई ये है अरावली हिल्स, ये पूरा फैला हुआ है ऐसे, ये देखो पूरा पहाड़ पहाड़ है और ये रास्ता है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, जैसे देख सकते हो पीछे जो आ रहे हैं दो बाइक वाले वो राइडर हैं, और रास्ता ऐसा है तो काफ़ी प्यारा है यार, काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। तो ये देखो यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये रोड भी बिल्कुल खाली है, मतलब जितने भी सारे बाइक वाले जा रहे हैं, राइडर जो होते हैं ना, बड़े बड़े राइडर्स होते हैं जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं, तो वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रोड इतनी प्यारी है और देखने से भी लग रही है और बाइक चलाने से भी पता चल रहा है कि कितना प्यारा व्यू है और कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो ये काफ़ी बढ़िया है यार, मौसम के तो क्या ही कहने, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मौसम मौसम, क्योंकि मौसम के साथ यहाँ पे आना, इस मौसम में यहाँ पे आना, मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया। यहाँ पर हम आपको ऊँट भी दिखा सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये रे ऊँट, ये देखो एक और है वो, ये रहा ये रहा, यहाँ पे 2 ऊँट थे, एक ये रहा और एक ये रहा, और आगे पता नहीं कितने क्या मिल सकते हैं, है ना।
पर ये रोड ख़त्म नहीं हो रही भाई, ये तो चलती रह रही है, चलती रह रही है। बाकी इसका जो एरिया है ना 670 किलोमीटर में है, 670 किलोमीटर का है अरावली हिल्स का जो एरिया है। आ गए हम फाइनली, और अभी आपने व्यूज़ देखे कि कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है एंड पॉइंट है इसका। यहाँ पे देखो सारी बाइकें खड़ी हैं, ये बाइकें खड़ी हैं और ये गाड़ियाँ खड़ी है, और इधर कैफ़े वगैरह है, चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पे। और अभी जाएंगे यार, सुबह से कुछ खाया नहीं क्योंकि भूख लग रही है। आज जल्दी निकल गए थे ना, लास्ट टाइम तो हम 10 बजे ही निकले थे घर से, तो इसलिए घर से कुछ खा के आए थे, तो इस बार खाके नहीं आया तो भूख लग रही है सबको। मैं तो एडजस्ट कर लूँगा, ये जो तीन बंदे हैं ना इन्हें कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो भाई खा पी के अभी आ गए थे हम वापसी, और अभी हम ढूंढ रहे हैं जगह वीडियो वगैरह या फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। हम ढूंढ रहे हैं जगह, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये जो ब्लैक जैकेट में है ये है रोहित, और ये जो डेनिम वाली जैकेट में है ये है आ गया, ये है मनोज, और जो तीसरा है वो है कौशल। तो ये सारे अभी जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ वीडियो शूट करें कहाँ ना करें, क्योंकि हमें बढ़िया सी जगह चाहिए, क्योंकि ये पूरा खुला है ना, समझ नहीं आ रहा। फाइनली वीडियो और फोटो वगैरह खींच के अब हम निकल रहे हैं घर को, क्योंकि टाइम भी हो गया ना यार, और हम बाहर भी आ गए अब तो, और वो पीछे आ रहे हैं दो बंदे हमारे, हम आगे आ गए। तो बस अब निकल रहे हैं घर को, और मौसम भी अभी भी सही हो रहा है, मौसम ऐसा नहीं है कि मौसम अभी ख़राब हो रहा है, मौसम अभी भी सही हो रहा है। तो बस हम मिलेंगे हम आपसे घर पर। तो भाई हम घर को जा रहे थे तो हमें एक चीज़ और दिखी रास्ते में, ये जो है अरावली हॉर्स राइडिंग क्लब, अरावली राइडिंग क्लब। यहाँ पे देखो हॉर्स राइडिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत सही है यार। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो ये जो है उनका ट्रैक है, और ये दो अभी हॉर्स हैं यहाँ पे, दो तीन, एक पे वो बैठ के सीख रहे होंगे जो भी है। तो ये है पूरा, ये लिखा है ना अरावली राइडिंग क्लब, ये जस्ट अरावली हिल्स वाली जो रोड है ना उसके ही बगल में है, साइड में जब आप जाओगे ना एंट्री करोगे उसके अरावली वाली जो रोड है अरावली हिल्स वाली, तो उससे ही पहले आपको दिख जाएगा यहाँ साइड में अरावली राइडिंग क्लब। तो भाई हम आ गए घर, और अब मैं सोच रहा हूँ शेविंग करा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अजीब हो रही है ना यहाँ पे, बियर्ड हल्की हल्की हुई आ रही है, ये बेकार लगती है। तो मैं अभी जा रहा हूँ शेव करवाने दुकान पर, क्योंकि हमसे तो भैया होती नहीं है, उसके बाद आएंगे फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, कि करना तो ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये देख लो यार क्या हाल हो गया बाइक का, पूरा कीचड़ कीचड़, वहाँ काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, तो अभी देख रहे हो पूरा कीचड़ से भर गई पूरा। इसको वॉशिंग करानी पड़ेगी, अभी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि बरसात का मौसम है, कराएंगे फिर गंदी हो जाएगी। तो अब हम चल रहे हैं शेविंग कराने, चलो। थोड़ा सही लग रहा है यार, दाढ़ी वाड़ी बना ली ना, शेविंग कर ली, तो थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है मेरे को। तो वहाँ वो कर रहा था शेविंग, भाई नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो अब मैं पहले नहाऊंगा क्योंकि मैं सुबह नहा के भी नहीं गया, तो पहले नहाने जाऊंगा उसके बाद फिर सो जाऊंगा यार थोड़ी देर, क्योंकि क्या होता है ना सैटरडे की रात को देखना पड़ता है कि कैसी लोकेशन है, क्या है, कैसे एडिटिंग करनी है, ये सब। तो पूरी रात यही सोचते 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 ऐसी निकल जाती है, फिर 4 बजे हम चले जाते हैं, 4-5 बजे उठते हैं, मतलब 4 बजे उठते हैं, 5-6 बजे तक चले जाते हैं,
उसके बाद मंडे और ट्यूसडे एडिटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि अभी आई एम नूब, आई एम नॉट अ प्रो इन एडिटिंग, तो इसलिए भाई बहुत धीरे धीरे करता हूँ। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।